हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो यार आज की वीडियो थोड़ी सी हटके रहेगी। आज मैं यार थोड़ा सा बताऊंगा यार आफ्टर मार्केट जो एक्सेसरीज होते हैं यार उनकी रियलिटी क्या है। आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी हम जरा गाड़ी को अनलॉक करते हैं और चलते बाहर। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि आफ्टर मार्केट की एक्सेसरी अच्छी नहीं होती है, कंपनी की अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी की एक्सेसरीज भी मोर और लेस सेम ही होती है, जस्ट वो है कंपनी थोड़ा सा बेटर क्वालिटी यूज़ करता है और उसके वो 3 गुना ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। तो दिखाता हूँ यार चलो। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे नए हो तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार जो मैं आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज की रियलिटी कह रहा था, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले मैंने अपने सामने के फ्रंट क्रोम ग्रिल्स इंस्टॉल किए थे जो 4 है। हालाँकि अब आपको कैमरा में 3 दिख रहे होंगे। जो है ये वाला अपना क्रोम ग्रिल खुल चुका है। लकीली वो खोल के कहीं रास्ते में नहीं गिरा, किसी के सामने कुछ नहीं आया, किसी से कोई डैमेज नहीं हो। वरना उड़ के यार अगर कहीं किसी के गाड़ी में कोई विंडशील्ड में हिट कर देता तो बिल्कुल बहुत मेजर डिस्ट्रैक्शन होता है ये चीज़। मैं दिखाता हूँ आपको यार वो क्रोम ग्रिल मैंने अंदर रखा हुआ है संभाल के। एक सेकंड, अभी हम अंदर चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं साइड, जो हालांकि मैं पब्लिकली नहीं दिखा सकता। मैंने इसमें इसको संभाल के रखा हुआ है बिल्कुल, ताकि ये टूट ना जाए। अब देखते हैं आगे। ये देख सकते हो इसका क्रोम ग्रिल, यहाँ पे यार कुछ ऐसे टाइप के टेप्स आते हैं इसमें, कुछ इस तरह के टेप्स आते हैं जो अब खुल चुका है। मैं ऐसे हाथ लगा रहा हूँ तो कोई फील नहीं इसका, और जो एक ग्लू का फील होना चाहिए ये चीज़ जो था आपने। अरे मैं दूसरा चीज़ एक और जो देख रहा था, आप देख सकते हैं थोड़े से टार्निश हो गए हैं, थोड़े से पीले पड़ गए। कैमरा पता नहीं कितना कैप्चर कर पा रहा है क्या नहीं, मैं फोकस करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप समझ सकते हो, आपने मेरी पहले की प्रीवियस वीडियो देखी होगी, यहाँ पर मैं ऐसी जैसे उसे प्लेस कर रहा हूँ, होना कुछ इस तरीके से चाहिए था, बट अफसोस अब ये खुल चुका है। तो यार ये मैंने कुछ, आपको अगर याद हो तो मैंने उसमें प्राइस डिस्क्लोज किया था, मैंने ये 650 के लिए थे ये 4 क्रोम ग्रिल्स। यार मैं कहूँगा अभी मेरे को 1 साल हुआ है गाड़ी को लिए, ही 1 साल हुआ है। मैंने एक क्रोम ग्रिल्स शायद पिछले, आप वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, 6-8 महीने पहले लगाया है। तो यार 6-8 महीने में ऐसी क्वालिटी की, मतलब ये पूरे आपके जो क्रोम फिनिश है वो क्रोम फिनिशिंग ख़त्म हो जाता। मारुति का लोगो देखो जो कंपनी प्रोवाइड करता है, और इसका ये देखो कितना डल हो गया इसके सामने। अब इससे कंपैरिजन देख सकते हो वीडियो में। यार 650 का जो है प्रोडक्ट लिया है मैंने, मेरे को भाई बिल्कुल ही वेस्ट लगा है। हालांकि गाड़ी के लुक के हिसाब से कंपनी को अपने आप ही देना चाहिए था ये चीज़, बट जो खुल चुका है वो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। देखो ये पड़ा हुआ है ऐसे, अब मैं देखूंगा अब ये चिपकता है नहीं लगेगा पता नहीं, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है। अब मैं देखूंगा कोई अगर मार्केट में अच्छा ग्लू व्लू मिलता है, जैसे ये भी बिल्कुल प्लास्टिक के लोकल से ही है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्रोम वोम फिनिश भी नहीं है, इस पर पेंट मारा हुआ है सिल्वर, जो शाइनी ग्लॉस का क्रोम पेंट आता है वो पेंट लगा हुआ है इनके ऊपर, और आप देख सकते हैं पेंट पूरा फेड कर चुका है। तो यार आफ्टर मार्केट रियलिटी मेरे, मतलब मैं तो बिल्कुल छोटा सा, मेरा कोई गाड़ी का नुकसान नहीं हुआ इस चीज़ में, जैसे वो चीज़ खुल गया थोड़ा लुक ऑड लग रहा है, पर मेरी गाड़ी चलने में या फिर उससे कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो मैं ये जो आफ्टर मार्केट के एक्सेसरी में लोग जैसे अलॉय व्हील चेंज करा लेते हैं, हेडलाइट्स चेंज करा लेते हैं, कि LED लगवा लिए या फिर कुछ हॉर्न वॉर्न चेंज करा, तो यार मैं प्लीज़ रिकमेंड नहीं करता यार ये सब आफ्टर मार्केट के झोल में रहो। यार आफ्टर मार्केट ही चीज़ें आप उतनी कराओ जो आपकी गाड़ी को वारंटी उसका इशू डैमेज ना करे, क्योंकि यार आप एक महंगा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लाखों की आती है एक गाड़ी में आप अपने बहुत एक हेफ्टी अमाउंट एक गाड़ी के ऊपर स्पेंड करते हो। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, आप मेरी बात बिल्कुल समझ सकते हो। यार आगे पीछे जैसे मैंने रियर कैमरा की वीडियो में भी कहा था कि वही मेरा सेम रीज़न ही है कि वारंटी का और दूसरा इनकी फिटिंग, क्योंकि यार ये इतने एक्सपर्ट होते नहीं है जो लगाते ये सब चीज़ें, इनको इतना आइडिया रहता नहीं, ये बस देख दाख के सीखे हुए होते हैं आपको। और कंपनी में भी, कंपनी अगर आप मुझसे पूछते हो यार कंपनी से लगवाना ज़्यादा बेटर होगा, तो कंपनी में भी कोई सीखे हुए बंदे नहीं बैठे हुए, वो भी जस्ट देख के ही सीखे हुए, वो कंपनी में एज अ जूनियर हेल्पर आते हैं और फिर देख देख के वो एक्सेसरी लगाना सीख जाते हैं। आप भी अगर जाओगे तो आप भी 2 दिन में सारी गाड़ियों में सीट कवर लगाना सीख जाओगे, ये उस तरीके का चीज़ है। तो यार आफ्टर मार्केट एक्सेसरी मेरे तो यार कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, मैडम बहुत ही कम नुकसान हुआ, वापस चलो मैं नया खरीद लूँगा उसमें क्या है। बट कंपनी भी इसका अराउंड 2000 रुपये चार्ज करता है, अगर उसमें भी अगर मेरे को सेम चीज़ क्वालिटी मिलती है 650 का नुकसान फिर भी मैं थोड़ा सह सकता हूँ, बट अगर 2000 का अगर ये क्वालिटी मिलती मारुति भाई एक्सपेक्टेड नहीं है। मैंने मारुति का वो देखा है, वो सेम सा ही है ये क्रोम ग्रिल जो उसका आता है, मैंने क्वालिटी वाइज तो उसको ही देखा था, अगर ये खुल गया तो भाई वो भी खुल सकता है। अगर मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, आप आफ्टर मार्केट इसको लगवाओ, हाँ लुक के लिए आप ज़रूर इसको लगवा सकते हो, क्योंकि गाड़ी की लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है, प्लस सिल्वर कलर जो मेरा गाड़ी का है वो कॉम्प्लीमेंट करता है इस चीज़ को। तो यार एक ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा और थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू।